أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. عزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گزشتہ سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر، ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق آداب کا حکم دیا. اخلاق و آداب میں ایک چیز آتی ہے، سخاوت. تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے سخاوت. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سخاوت کا مفہوم. سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ سخاوت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. سخاوت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. اسی طرح سخاوت کے مفہوم کے ساتھ سخاوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس سخاوت کا مقصد. سخاوت کے مقصد میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ریا یعنی دکھاوا نہ ہو. ریا یعنی دکھاوا نہ ہو. اور دوسرا، بدلے کی خواہش نہ ہو. بدلے کی خواہش نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، کسی ضرورت مند کی کوئی حاجت پوری کی جائے، کسی غریب مسکین کے ساتھ مدد کی جائے، تو اس کے بدلے میں شکریہ کا طلبگار یا کچھ لینے کا طلبگار نہ ہو. یعنی کسی کے ساتھ مدد کر کے اس سے بدلے کی خواہش نہ کی جائے. یہ ہے سخاوت کا مقصد. اب آگے چلتے ہیں. سخاوت کے مقصد کے بعد، سخاوت قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کے اندر سخاوت کا کیا مفہوم ہے؟ تو سخاوت قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کے اندر ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، بے سہارا کو، بے آسرا کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں، بے سہاروں کو کا سہارا بنتے ہیں. لیکن نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اور نمبر ٹو، بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے.
बदले या शुक्रिया के तलबगार नहीं होते। ये हुआ सखावत कुरान पाक की रोशनी में। कुरान पाक की रोशनी में सखावत के मुतालिक हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं जो उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं अल्लाह ताला की रजा की खातिर, बदले या शुक्रिया के तलबगार नहीं होते। उसके बाद कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन की बहुत सारी सिफात बयान की हैं। तो सूरतुल हश्र आयत नंबर 9 के अंदर मोमिनीन की सिफात में से मोमिन की एक सिफत बयान की है, मोमिन की एक सिफत बयान की है। और मोमिन की वो सिफत क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुथिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आप मेरे साथ इस आयत करीमा को मिलकर पढ़ें, वयुथिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। तर्जुमा, और वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं ख्वा वो खुद फाके से हो, और वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं ख्वा वो खुद फाके से हो। यानी अमीर लोग, मजबूत किस्म के लोग, माली लिहाज से मजबूत हों, तो वो लोग जो फाकादार लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मुस्तहिक लोग होते हैं, वो उन लोगों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, लेकिन वो खुद अपनी ज़रूरियात को पीछे रखते हैं, अपने आप के ऊपर वो तकलीफ़ सह लेते हैं। खुद वो फाके से भी हों लेकिन वो ज़रूरतमंदों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, हाजतमंद की वो हाजत को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ मोमिन की सिफ़त। मोमिन की सिफ़त के बाद हमारे पास पॉइंट है सखावत हदीस की रोशनी में। सखावत हदीस की रोशनी में, तो आइए देखते हैं हदीस की रोशनी में सखावत का क्या मफहूम है। तो हमारे पास अगला पॉइंट है सखावत हदीस की रोशनी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को सखावत की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को सखावत की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, ए अबू ज़र मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो। ए अबू ज़र मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और तीसरे दिन तक उसमें से एक अशरफ़ी बाकी रह जाए मेरे पास बाकी रह जाए मैं
चाहूँगा कि उसको अल्लाह ताला के बंदों में तकसीम कर दूँ, उसको अल्लाह ताला के बंदों में तकसीम कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत की अहमियत, सखावत की फजीलत को यूँ बयान किया, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी हो तो 3 दिन के अंदर मैं उसको तकसीम कर दूँ, हत्ता कि मेरे पास एक अशरफी भी बाकी न रहे। कैसे? मैं उनको अल्लाह के बंदों में तकसीम करता जाऊँ। ये सखावत का मुजाहरा है, फयाजी का मुजाहरा है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, इलम की इशात भी सखावत। इलम की इशात भी सखावत। हदीस की एक किताब है जिसका नाम है मिशकात शरीफ। हदीस की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है मिशकात शरीफ। और हदीस की इस किताब मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल इल्म, किताबुल इल्म के बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इलम फैलाना भी सखावत है, इलम फैलाना भी सखावत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अल्लाह ताला और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा सखी वो है, सबसे बड़ा सखी वो है, सखावत व फियाजी करने वाला वो है जिसने इलम सीखा और सिखाया, जिसने इलम सीखा और सिखाया, यानी इलम को सीखा और फिर उसकी इशात करता रहा, फिर उस इलम को फैलाता भी रहा, फिर उस इलम की इशात भी करता रहा। तो ये इलम की इशात भी सखावत, यानी इलम का फैलाना भी सखावत है। अब आगे आते हैं सबक का खुलासा। सबक के खुलासे में देखते हैं, हमने 6 पॉइंट जिक्र किए आज के सबक में। पॉइंट की सूरत में हमने 6 चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1, सखावत का मफहूम। नंबर 2, सखावत का मकसद। नंबर 3, सखावत कुरान पाक की रोशनी में। और नंबर 4, मोमिन की सिफत। नंबर 5, सखावत हदीस की रोशनी में। और नंबर 6, इलम की इशात भी सखावत, इलम का फैलाना भी सखावत। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सखावत का मफहूम, सखावत का मफहूम, सखावत का मफहूम क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। किसकी खातिर? अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपना माल ज़रूरतमंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपना माल ज़रूरतमंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। सखावत का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर माल तो खर्च किया, ज़रूरतमंदों की हाजत तो पूरी की, उनकी ज़रूरत को तो पूरा किया, लेकिन उसका मकसद, सखावत का मकसद यह है, जब ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाए, हाजतमंद की हाजत को पूरा किया जाए अल्लाह की रज़ा की खातिर, मकसद रिया यानी दिखावा ना हो,
रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, और दूसरा बदले की ख्वाहिश भी ना हो, इसी तरह बदले का तलबगार भी ना हो। यानी मैं किसी के साथ कुछ मदद करता हूँ तो उसके बदले में मैं ये जहन में रखूँ कि मैं इससे फलां चीज़ लूँगा, उस या लोगों को दिखलावा हो, लोगों को दिखाना मकसूद हो, तो ये फिर सखावत का मकसद नहीं होगा, सखावत का मकसद ख़त्म हो जाएगा। सखावत कुरान पाक की रोशनी में, तीसरा पॉइंट है सखावत कुरान पाक की रोशनी में। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं जो उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, मगर अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, बदले या शुक्रिये की खातिर नहीं, बदले या शुक्रिये के तलबगार नहीं होते, अल्लाह की रज़ा की खातिर वो सखावत और फियाजी करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है मोमिन की सिफत, मोमिन की सिफत। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन की बहुत सारी सिफात बयान की हैं, मोमिनों की बहुत सारी सिफात बयान की हैं। तो मोमिनीन की उन सिफात में से एक सिफत सूरतुल हश्र आयत नंबर 9 के अंदर बयान की, और आयत करीमा क्या, वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे साथ आयत करीमा पढ़ें, वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आयत करीमा का तर्जुमा, और वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं ख्वाह वो खुद फाके से हों। यानी दूसरों को मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, यतीम के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, खुद अगरचे वो फाके से हों, खुद वो मजबूर बेकास हों, लेकिन दूसरों का वो ख्याल करते हैं, दूसरों के साथ सखावत और फियाजी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद सखावत हदीस की रोशनी में, सखावत हदीस की रोशनी में, तो सखावत हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सहाबी को मुखातब करके सखावत का ज़िक्र किया, हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या फरमाया, फरमाया ए अबू ज़र, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, मुझे ये पसंद नहीं मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, और तीसरे दिन तक उसमें से एक अशरफी भी मेरे पास बाकी रह जाए, तीसरे दिन तक उसमें से एक अशरफी भी मेरे पास बाकी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दूँ, अल्लाह के बंदों में मैं उसे बांट दूँ, मैं चाहूँगा कि इसको अल्लाह ताला के बंदों में तकसीम कर दूँ, बांट दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत की फजीलत को हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूँ बयान किया। नेक्स्ट पॉइंट है इल्म की इशात, इल्म की इशात, इल्म की इशात, इल्म को फैलाना भी सखावत कहलाता है। हदीस की एक मशहूर किताब है मिश्कात शरीफ, उसके अंदर किताबुल इल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म फैलाना भी सखावत है। इल्म फैलाना भी सखावत है। अल्लाह ताला और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा सखी वो है, सबसे बड़ी सखा फयाजी करने वाला वो है जिसने इल्म सीखा और सिखाया, जिसने इल्म सीखा और उसको फैलाया, जिसने इल्म सीखा और उसकी इशात की। ये था आज का हमारा सबक, सखावत। सबक का खुलासा, सबक के खुलासे में नंबर एक हमने जिक्र किया सखावत का मफहूम, नंबर दो सखावत का मकसद, नंबर तीन सखावत कुरान पाक की रोशनी में, नंबर चार मोमिन की सिफ्त, नंबर पाँच सखावत हदीस की रोशनी में, और नंबर छः इलम की इशात भी सखावत। होमवर्क की तरफ आते हैं, आखिरी हमारा पॉइंट है होमवर्क। तो आपकी बुक में से जो मशकी सवालात हैं, सखावत की फजीलत कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की रोशनी में बयान करें। आपकी बुक के अंदर सवाल नंबर है कि सखावत की फजीलत कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की रोशनी में बयान करें। तो आपकी को जिक्र कर दिया सखावत कुरान पाक की रोशनी में, और इसी तरह सखावत हदीस की रोशनी में। उसके बाद दूसरा सवाल है, सखावत का क्या मफहूम है? तो सखावत का मफहूम हमने पॉइंट नंबर एक में जिक्र किया। इसी तरह एक और सवाल के कुरान पाक के अंदर मोमिन की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं? तो आपका पॉइंट नंबर तीन है मोमिन की सिफत। सिफात में से एक सिफत बयान करें, और वो एक सिफत मोमिन की हमने जिक्र की गई है। इसी तरह आखिरी पॉइंट इलम की इशात, यानी इलम का फैलाना भी सखावत कहलाता है। तो ये आपका आखिरी पॉइंट है, इलम की इशात भी सखावत। ये सारे छः पॉइंट, छः के छः आपने अच्छे से करके, खूबसूरत करके आपने अपनी प्रैक्टिस कापी के ऊपर आपने लिखने हैं। लिखने के बाद आपने पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है। वस्सलाम, जज़ाकअल्लाह अहसनुल जज़ा।